हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास ट्वेल्थ आफ्टर बालूम सेकेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स बी स्टार्ट्स यूनिट फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बालूम सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है यह यूनिट फर्स्ट का यूनिट बालूम फर्स्ट बुक का जो है यूनिट फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री यह डिपेंड है सरफेस फेनोमेना। तो हम जो है टुडेज स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री, जैसे स्टूडेंट्स हमने बताया कि सरफेस केमिस्ट्री सरफेस फेनोमेना होता है, और जो इसमें रिएक्शंस होते हैं और जो भी केमिस्ट्री हम देखेंगे यह किसी पार्टिकल के सरफेस पर ही देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम यह एक लार्ज पार्टिकल्स लिए हैं, क्लियर, और ये जो लार्ज पार्टिकल्स है इसके हम बहुत स्मॉल पार्टिकल बना लेते हैं, क्लियर। अब स्मॉल पार्टिकल अगर हम बना लेंगे, ये जो लार्ज पार्टिकल है इसको हम ब्रेक करके बहुत स्मॉल पार्टिकल बना दिए, और जब स्मॉल पार्टिकल बना लेंगे तो अब इस स्मॉल पार्टिकल्स की जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इसका इनक्रीज हो जाएगा। और स्मॉल पार्टिकल का जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो अगर हम रिएक्शन में इसको पार्टिसिपेट कराते हैं, यह जो लार्ज पार्टिकल है इसको पार्टिसिपेट करा दें, या जो स्मॉल पार्टिकल है इसको पार्टिसिपेट करा दें, तो हम क्या देखते हैं कि लार्ज पार्टिकल का जो रिएक्शन होगा ये स्लो होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। इस पर अटैच करने वाले या बॉन्ड बनाने वाले जो रिएजेंट्स हैं तो उसमें उनका नंबर कम हो जाएगा, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है इसमें जो है जो नंबर्स होंगे सरफेस एरिया ज़्यादा होंगे, पार्टिकल्स अधिक होगा और इनका रिएक्शन फास्ट होगा। तो यह सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस केमिस्ट्री, ये बहुत से ऐसे हमारे जो है डेली लाइफ में हम इसका यूज भी करते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री ये बेस्ड है एडजॉर्प्शन पे, यह एडजॉर्प्शन बेस्ड है सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन बेस्ड है। स्टूडेंट्स एक अर्थ होता है एडजॉर्प्शन, और एक वर्ड आप सुने होंगे एब्जॉर्प्शन, ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, एक वर्ड आपने यह सुना होगा एब्जॉर्प्शन। तो यह सरफेस केमिस्ट्री जो है सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन बेस्ड है या एब्जॉर्प्शन बेस्ड नहीं है। तो सर एडजॉर्प्शन, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप यह इसमें इंक लिए हैं और इसमें कोई चाक, एक चाक इसमें अगर हम डिप कर दें, क्लियर, अगर चाक इसमें हम डिप कर देते हैं और चाक को जब बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चाक का जो ये बाहर का सर एरिया है इस पर इंक पार्टिकल जो है, इंक पार्टिकल इस पर अटैच हो जाते हैं, एडजार हो जाते हैं, इस पर जो है बॉन्ड बना लेते हैं। तो चाक पार्टिकल में और रिंग के पार्टिकल में एक बॉन्डिंग होती है, और यह बॉन्डिंग केवल चाक के सरफेस पर ही होगा, चाक के इनसाइड नहीं होता है, क्योंकि चाक को जब हम इसको स्क्रैच अगर कर दें, इस पार्ट को अगर स्क्रैच कर दें तो चाक के इनसाइड हमको इंक पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो जो ये रिएक्शन हम करेंगे, रिएक्शन हम देखेंगे, जो हम डेली लाइफ में इसका यूज देखेंगे, ये सब हमारे जो है सरफेस एरिया में होता है, और जिसे हम नाम देते हैं सरफेस केमिस्ट्री नाम देते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री ये डिपेंड है, स्टूडेंट्स आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे, यह बेस्ड होता है एडजॉर्प्शन, यह एडजॉर्प्शन बेस्ड होता है। चलिए आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कुछ सरफेस केमिस्ट्री का जो है एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंस और इसका क्या यूजेज है थोड़ा इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री डील विद फिनोमेना दैट आकर एट द सरफेस आर इंटर फेसेस। तो जैसे हमने अभी आपको बताया स्टूडेंट जो है कि सरफेस केमिस्ट्री यह फिनोमेना है, कौन सा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। द इंटरफेस आर सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस। ओके,
तो जो ये सरफेस फेजेज होता है ये सेपरेट करता है, रिप्रेजेंट करता है बल्क फेजेज को बाई ए हाइफन आर ए स्लैश। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या देख रहे हैं आप, द इंटरफेस बिटवीन ए सॉलिड एंड ए गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड गैस। सॉलिड गैस, इसका मीन्स क्या है, गैस जो है एडजार कहाँ है, सॉलिड पे, क्लियर। तो इसमें एक हाइफन, सॉलिड और गैस के बीच में एक डैश जिसे हम हाइफन कहते हैं, तो ये हाइफन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। इसका मीन्स है कि गैस पार्टिकल जो है ये सॉलिड पे एडजार है। जैसे स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि बहुत से ऐसे मार्क्स यूज किए जाते हैं, मार्क्स मार्क्स जैसे इस समय आप लोग जानते ही हैं, सब लोग के लिए इसेंशियल हो गया है कोरोना केस में, कोरोना पास कोरोना जो है कंडीशन में सब लोगों को मास्क यूज हो गया है। लेकिन वह मास्क क्या है कि ड्रॉपलेट को एडजार कर रहा है, लेकिन बहुत पहले दिल्ली या बहुत ऐसे हाईटेक सिटी हैं, मल्टी सिटी हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, गैसियस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ के लोग, वहाँ के पर्सन बहुत पहले से ही मास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो मास्क क्या करता है कि मास्क का जो सरफेस है उसको ऐसे बनाया जाता है कि कुछ ऐसे गैसियस पार्टिकल्स को वो अपने सरफेस पर एडजार कर लेता है और वह इनसाइड बॉडी मिनरी से वह प्रिवेंट करता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं जो सरफेस फेनोमेना में आपको शो किया जा रहा है कि सरफेस फेनोमेना में क्या है, गैस सॉलिड्स, यानी इसका मींस है कि गैस एडजार ऑन सॉलिड सरफेस आर सॉलिड गैस, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट मिसबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस द बल्क फेजेस दैट बी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर कंपाउंड्स आर सोल्यूशंस द इंटरफेसेस इज नॉर्मली ए फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक बट इट एरिया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ बल्क फेजेस। तो स्टूडेंट जैसे इसके पहले हमने बताया कि ये जो बल्क फेजेस इसमें आप देख रहे हैं या जो इस सरफेस केमिस्ट्री है ये डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो यह जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ऑफ बल्क फेजेस। मैनी इम्पॉर्टेंट फिनमना नोटिसेबल्स एमंग दीज बींग्स कोरोजन, जैसे अगर हम कोरोजन देखते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हीट्रोजिनस कैटलिस्ट, डिसोल्यूशंस एंड क्रिस्टलाइजेशंस आकर एट इंटरसेस। तो इस तरह से अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कोरोजन्स, तो कोरोजन भी आपका सरफेस फेनोमेना ही है। इसमें क्या देखते हैं, जैसे आयरन पार्टिकल्स है तो आयरन पार्टिकल पे मॉइस्चर आके यहाँ एब्जॉर्ब होता है और आयरन पार्टिकल का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है कोरोजन भी आपका सरफेस फेनोमेना है। इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी ये कोरोजन प्रोसेस है। हीट्रोजिनस कैटलिस्ट कैटालिसिस, तो हीट्रोजिनस कैटालिसिस से जो वर्ड आया है, अब स्टूडेंट्स नाम सुने होंगे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नाम सुने होंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा, या रिएक्शन रेट को जो है स्टॉप भी कर सकता है। तो इसमें कैटलिस्ट जो है, एक नाम यहाँ आप देख रहे हैं हेटरोजीनस कैटलिस्ट और एक होता है आपका होमोजीनस, एक होता है होमोजीनस कैटलिस्ट। तो हीट्रोजिनस कैटलिस्ट होमोजिनस कैटलिस्ट में यह डिफरेंस है कि अगर वो कैटलिस्ट आपका हीट्रोजिनस है, जैसे अगर हम सपोज कीजिए ए प्लस बी, ए रिएक्टेंट है, इनका हम रिएक्शन करा रहे हैं, कैटलिस्ट सी ले रहे हैं और प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ए बी, क्लियर। तो यह रिएक्टेंट अगर ये गैस फार्म है और बी भी गैस फार्म, दोनों रिएक्टेंट है और सी कैटलिस्ट भी आपका क्या है, गैस फार्म है। अगर ये सभी सेम फेज में होंगे, कहने का मीन्स है कि रिएक्टेंट्स और ये कैटलिस्ट अगर सेम फेज हैं, दीज आर ऑल गैसेस फेज, ऑल लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, तो ऐसे कैटालिसिस को हम कहते हैं होमोजीनस, इसको हम कहेंगे होमोजीनस, होमोजीनस कैटलिस्ट, क्लियर। अगर कंडीशन ऐसा हो जाए, जैसे सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल आप लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ए प्लस बी, क्लियर, और ये आपका है सी,
अब बन गया कि आपका ए बी। अगर ए और बी, ए दोनों आपके और सी आपका क्या है सॉलिड हो जाए, सी कैटलिस्ट सॉलिड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का फेस और कैटलिस्ट का फेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे हेटरोजीनस कैटलिस्ट। तो यह जो है सरफेस फिनमना, यह डिपेंड करता है हेटरोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस पे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि 2N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NH3, क्लियर। और इसमें लगाते हैं हम एफ ही आयरन, आयरन क्या है कैटलिस्ट है। तो यहाँ नाइट्रोजन देख रहे हैं गैस फॉर्म है, हाइड्रोजन आपका गैस फॉर्म है, आयरन क्या है सॉलिड फॉर्म है। तीसरे से यह हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज हेटरोजीनस कैटालिसिस, यह हेटरोजीनस कैटालिसिस है। अब स्टूडेंट्स, इस हेटरोजीनस कैटालिसिस में होता है क्या कि जो आयरन पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल जो देख रहे हैं, तो आयरन पार्टिकल के सरफेस पे क्या होता है कि नाइट्रोजन्स और हाइड्रोजन ये आते हैं और आयरन पार्टिकल के सरफेस पे आकर बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद अमोनिया बना लेंगे, और फिर आयरन पार्टिकल का सरफेस ऐसे ही फ्री हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए, नेक्स्ट नाइट्रोजन के लिए फिर वही आयरन पार्टिकल्स फिर एडजॉर्प्शन काम करेगा, सरफेस काम करेगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरे से क्या देख रहे हैं कि आयरन पार्टिकल के सरफेस पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आके इसके सरफेस पे आके एडजार हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और उसके बाद अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तीसरे से ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, ये आपका जो है हेटरोजीनस कैटालिसिस है, और ये टाइप आप जो है सरफेस प्रॉपर्टी भी है, सरफेस फेनोमेना है, सरफेस केमिस्ट्री भी है। तो यह जैसे हमने अभी आपको दिया कि यह सरफेस एडजार हो रहा है, तो इसमें हम आपको जो है यह प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है सरफेस पर, आयरन पार्टिकल के सरफेस पर, और कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम मैकेनिज्म प्रोसेस में शो करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम देख लेते हैं जो कैटलिस्ट के बाद, द सब्जेक्ट्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फाउंड्स मेनी एप्लीकेशंस। तो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत एप्लीकेशन है, जिस लाइक इंडस्ट्री में, क्लियर, एनालिटिक वर्क में एंड डेली लाइफ सिचुएशंस में, टू एकॉम्प्लिश सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली इट बिकम इम्परेटिव टू हैव ए रियली क्लीन सरफेस अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 to 10^-9 पास्कल्स। तो ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, क्लीन सरफेस के साथ साथ ये वैक्यूम में, और ये जो आप देख रहे हैं प्रेशर अगर इजर्ट करें तो हाँ ये जो है सरफेस फेनोमेना रिएक्शन फास्ट होते हैं। इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स, सॉलिड मटेरियल्स विद सच क्लीन सरफेस नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम, अदरवाइज दीज विल बी कवर्ड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेमली डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्लीन हम जो है, अगर कोई मेटल्स अगर हम रखते हैं, तो वो मेटल आप देखते हैं वो डल कलर हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है कि अगर उस मेटल को हम जो है प्रेशर पे, पास्कल प्रेशर जो अभी दिखाए हम 10^-8 to 10^-9, और वैक्यूम अगर नहीं रखते हैं, तो ऐसे मेटल जो है, जो क्लीन मेटल्स है, इसके सरफेस पे भी कुछ जो है ऑक्साइड आके डिपोज हो जाते हैं, तो वह कलर जो है उसका डल कलर हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस में इसका कोरोजन, जैसे अभी हम नाम लिए आयरन का, तो कोरोजन भी हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से डेली लाइफ में भी हम इसका यूज देख सकते हैं। तो जो दिया गया है कि इस यूनिट्स में जो यूनिट हम पढ़ेंगे, तो स्टडिंग सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री सच एज एडजॉर्प्शंस, कैटालिसिस, कोलाइड्स इंक्लूडिंग इमल्शन एंड जेल्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमको जो स्टडी करना है, स्टडी क्या करना है, एडजॉर्प्शन का, जो हमने आपको बताया,
सेकेंड क्या है, कैटालिसिस का है, कोलाइड्स का है और इमुल्सन एंड जेल का है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। सो थैंक्स।